जैनटिक्स इलम नस्लियात वाट इज़ जैनटिक्स इम नस्लियात क्या है जैनटिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ़ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ़ हेरिडिटी एंड वेरिएशन इलम हयातियात की वो शाख जिसमें विरासती खसूसियात हेरिडी कैरेक्टर्स और तगारात वेरिएशन का मताल किया जाता है इल्मे नस्लियात जेनेटिक्स कहलाती है विलियम बैटसन जीनियात की असला विलियम बैटसन ने सन उन्नीस सौ छः में पेश की थी विलियम बैटसन एक अंग्रेज़ माहिर हयातियात थे जो विरासत के मुालले को बयान करने के लिए जीनियात की असलाह इस्तेमाल करने वाले पहले शख़्स थे The term genetics was coined by William Bateson in 1906. William Bateson was an English biologist who was the first person to use the term genetics to describe the study of heredity. What is heredity? एक नस्ल से दूसरी नस्ल में खसूसियात की मुंतकली को तवारुस कहते हैं ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू दी नेक्स्ट जनरेशन इस कॉल्ड हेरिडिटी यानी एक नस्ल से दूसरी नस्ल में खसूसियात की मुंतकली को तवारुस कहते हैं एक्ज़ाम्पल ऑफ़ हेरिडिटी तवारुस की मिसाल वो खूसियात जो वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होती हैं। जैसे शक्ल में हमें दिखाई दे रहा है कि वालदेन के बालों की तरह ही बच्चों के बाल दिखाई दे रहे हैं चेहरे की बनावट कद ये तमाम खसूसियात वालदे और बच्चों में बराबर है इसे ही हेरिडिटी कैरेक्टर्स तवारसी खूसियात कहते हैं वेरिएशन तगैरात जिनसी अमले तोलीद के बाद पैदा होने वाले बच्चों और वालदेन के दरमियान जो गैर यकसानीत तब्दीलियाँ पाई जाती है उसे तगरत वेरिएशन कहते हैं द डिफरेंस बिटवीन पेरेंट्स एंड ऑफिस फ्रिंग्स और अमंग द्रिंग्स ऑफ द सेम पेरेंट्स एंड अमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीसी कॉल्ड वेरिएशन एग्ज़ाम्पल ऑफ वेरिएशन तगारात की मिसाल जिनसी अमल तोलीद के बाद पैदा होने वाले बच्चों और वालदे के दरमियान जो फ़र्क पाया जाता है उसे वेरिएशन कहते हैं जैसे हमें शक्ल में दिखाई दे रहा है कि वालदे का कद ऊंचा है लेकिन बच्चे का कद कम है ऐसे ही बालों के अंदर फ़र्क जल्द के रंग का अलग होना ये तमाम वेरिएशन की मिसालें हैं थैंक यू एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल